हाय दोस्तों, मैं अभी पहुंच गई ग्राम पंचायत में। तो अभी हमारे ग्राम पंचायत में अहिलाबाई होड़कर के नाम से अभी कुछ जगह निकली थी, तो मैंने वो फॉर्म भर चुकी हूँ। तो आज वहाँ का भारत अभी पुरस्कार होने वाला है, इसलिए मैं अभी अपने गांव की ग्राम पंचायत में आ गई हूँ। मेरे गांव से अभी 3 किलोमीटर है ग्राम पंचायत। तो ये देखिए, अभी पहुँची हूँ, सुबह सुबह सब तैयार होकर अभी पहुँच गई हूँ। तो यहाँ अभी सम्मानित करने वाले हैं। ग्राम हमारे ग्राम पंचायत में कुछ जगह निकली थी पुण्यत की अहिलाबाई होलकर से, तो अभी मैंने फॉर्म भरा था अपने गांव से। तो अभी बाकी लेडीज आने को है, कुछ अतिथि आए हैं, जैसे ग्राम सेवक, सरपंच और बाकी गांव की मंडली भी आ चुकी है, जैसे आशा वर्कर, टीचर वगैरह सब आ गए हैं, आंगनवाड़ी सेविका, तो सब कुछ आ गए हैं। तो मैं भी सुबह आ चुकी हूँ, मुझे भी फोन आया था कि 8 बजे आना करके, तो मैं अभी अपने डॉक्यूमेंट्स कर लेके आ चुकी हूँ। तो ये देखिए हमारी छोटी सी ग्राम पंचायत, तो इस तरह का नज़ारा है, तो बहुत ही बढ़िया है और मस्त है। तो आपको मैं दिखा देती हूँ कि हमारे गाँव तक का अभी नज़ारा और हमारे गाँव की ग्राम पंचायत। तो दोस्तों ये देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ ग्राम पंचायत का कुछ बाहर का नज़रिया। तो ये देखिए, कुछ सर वगैरह आए होंगे, तो उनकी गाड़ियाँ है, और ये देखिए बाहर का कुछ ऐसा लुक है। तो ये देखिए हमारी ग्राम पंचायत है, गढ़ ग्राम पंचायत कार्यालय बोरगांव बाजार है। तो ये देखिए छोटा सा और छोटी सी है। तो ये देखिए प्यारे से फूल पेड़ भी लगे हैं, बहुत ही अच्छी है हमारी ग्राम पंचायत। तो मैं आपको भी अंदर से दिखा दूँगी। तो ये देखिए अभी बाहर का कुछ नज़रिया, तो मैं आपको अंदर का इसका नज़रिया दिखा देती हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ, और अंदर भी कुछ बैठे हैं लोग। ये देखिए सचिव कक्ष है यहाँ पे, ये देखिए अंदर का, ये दो रूम है यहाँ इधर, ये देखिए यहाँ इधर एक रूम है, उधर अंदर एक रूम है, और दूसरे साइड से भी दिखा देती हूँ, उधर से भी कुछ थोड़ा बहुत अच्छा नज़ारा है। तो दिखा देती हूँ अंदर से। मैं अभी एंट्री अंदर हो चुकी है, मेरी मम्मी भी बैठी है। तो ये देखिए कुछ वर्कर्स है और ग्राम सेवक है, सरपंच मैडम है, कुछ सदस्य वर्ग है, और ये देखिए गांव के कुछ मेंबर है। तो आज अभी स्टार्ट होगी थोड़ी देर में ही परीक्षा, तो अभी वहाँ कल अभी उसका पुरस्कार मिलने वाला है, तो इसलिए मैं अभी स्टार्ट करते हैं। तो अभी ये पुरस्कार मिल चुका है, तो कल आधा अधूरा ही वीडियो बना चुकी हूँ, क्योंकि मेरा मोबाइल अभी स्विच ऑफ हो गया था, इसलिए हमारे गाँव में लाइट नहीं थी, इसलिए मैं वीडियो बना न सकी। तो इसलिए दूसरे दिन भी हमारे गांव लाइट नहीं आई, इसलिए फ़ोटो उठा के भैया को, जो ग्राम पंचायत के भैया रहते हैं, उनको फ़ोटो मांग के ये वीडियो बना रही हूँ। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं, जिनके गांव में लाइट कुछ नहीं रहती, तो मैं जो दिक्कत हो चुकी थी, इसलिए मैं वीडियो न बना पाई। तो बाहर की कुछ क्लिप निकाले, तो वो देखिए फोटो। तो ये पहली बार मैं अभी पुरस्कार में सहभागी हुई थी, तो 2-6 जन आप भी सहभाग थे, इसलिए अभी 2-3 नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर दे चुके हैं, तो प्रमाण पत्र मिल चुका है। तो मैं अपने मम्मी के साथ आ चुकी हूँ, तो आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इसलिए हमारे ग्राम पंचायत से मुझे ये प्रमाण पत्र मिल चुका है। तो इसी तरह आप भी कोशिश करें, स्पर्धा परीक्षा कुछ भी अपने गांव में या बाहर में कुछ रहता है, तो वहाँ सहभागी होना चाहिए। तो मैं भी सहभागी हो चुकी हूँ। मैं ग्राम पंचायत में गई थी, तो कुछ स्पर्धा थी, वक्तृत्व स्पर्धा, तो मैं वहाँ पर सिलेक्शन हो गई अपने ग्राम पंचायत में, जो होती है वहाँ स्पर्धा, कुछ स्पर्धा थी, तो वहाँ मैं अभी फर्स्ट नंबर पे आई थी। तभी गांव पर में कुछ ऐसी स्पर्धा रखी गई थी, तो वहाँ भी महिला इसमें मैं भी थी एक लड़की, तो मैं भी वहाँ पे गई थी, तो मुझे भी मैं भी सहभाग हुई, और मुझे भी कुछ लिखा था, मैं भी अपने ऊपर और महिला के विरुद्ध कुछ क्या लिखना था, इसलिए मैं अभी वहाँ पे लिखी, और वह वर्ष से पता अभी कल हुई थी, तो आज उसका पुरस्कार मिला है। तो मैं आज फिर से ग्राम पंचायत में गई थी। तो दोस्तों ये देखिए मुझे अभी प्रमाण पत्र मिला है, ये फूल गुस्तम और ये शिल्प नारण, और दोस्तों ये देखिए देन भी कुछ है, ये थोड़ा बहुत पैसे मिल गए हैं अभी। तो मैंने अभी स्पर्धा थी हमारे ग्राम पंचायत में, तो वहाँ पहले सहभाग लिया था, तो ये सब कुछ मिल गया है दोस्तों। तो मैं आज बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मैं अभी वहाँ पे सहभाग हुई थी, तो इसलिए मुझे प्रमाण पत्र मिल चुका है, तो मैं इसको अच्छे से रखूँगी। तो दोस्तों इसी तरह आप भी कोशिश करते रहिए, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, तो इसलिए मैं भी कोशिश की, तो इसलिए मेरा अभी फर्स्ट नंबर आया था, तो इसलिए मुझे ये पुरस्कार मिल गया है। तो दोस्तों इतनी मेहनत करके अभी मुझे हासिल हो चुका है, तो बहुत ज़्यादा आज बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ।
तो मेरे मम्मी को भी बुलाया गया था वहाँ, मम्मी के साथ गई थी मैं। तो ये पुरस्कार अभी जो सरपंच रहते हैं अपने ग्राम पंचायत के, तो उसके हाथों अभी ये पुरस्कार मुझे मिला है, तो मैंने अपने घर ला के दिए। तो दोस्तों आई होप मेरा छोटा सा वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।